तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताते हैं कि भारत के किस राज्य की क्या खासियत है। तो दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी आबादी करीब 1.40 है। तो दोस्तों भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश भी है जो समुद्र और पर्वतमालाओं के बीच घिरा हुआ है। इस देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य भी है जिनके बारे में हर प्रतियोगिता और हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अटल नगर की। छत्तीसगढ़ के राजधानी का नाम पहले रायपुर था जिसे 21 अगस्त 2008 में बदलकर अटल नगर कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान के लिए किया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं गोवा के पणजी की। पुर्तगालियों के कब्जे से 1961 में गोवा को आजाद करने के बाद इसे एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया, लेकिन इसे 1987 में इसे एक केंद्र शासित के रूपों में मान्यता मिली और पणजी को इसकी राजधानी बनाया गया। और ये भारत के सबसे छोटा राज्य भी है जिसमें केवल 2 ही जिले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात गांधीनगर की। गुजरात की स्थापना 1960 में बॉम्बे राज्य से अलग होने के बाद किया गया। इसकी राजधानी पहले अहमदाबाद था जिसे बदलकर महात्मा गांधी के सम्मान के लिए इसे गांधीनगर बनाया गया। हरियाणा चंडीगढ़। तो दोस्तों चंडीगढ़ देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है जो 2 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा के साथ पंजाब की भी राजधानी है। 1966 में इसे केंद्र शासित राज्य गठन किया गया था, तब इसे पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था। चंडीगढ़ शहर के नाम यहाँ के चंडी देवी के नाम पर रखा गया। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश भोपाल की। भोपाल को उसका नाम राजा भोज के नाम पर मिला जिन्होंने इसकी स्थापना 11वीं सदी में की थी। पहले इसे भोजपाल कहा जाता था लेकिन बाद में इसे भोपाल कर दिया गया। महाराष्ट्र मुंबई सपनों का शहर। मुंबई इस राज्य का राजधानी है जिसे 1955 के पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इसे देश का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मिजोरम आइजोल। आइजोल इस राज्य की वाणिज्यिक और सांस्कृतिक राजधानी है। ये इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नागालैंड कोहिमा। कोहिमा आगामी नागा जनजाति की भूमि है। इस शहर को ये नाम अंग्रेजों ने दिया था। पहले कोहिमा को थियोमा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओडिशा भुवनेश्वर की। तो दोस्तों ओडिशा भुवनेश्वर की राजधानी पहले कटक थी जिसे 1948 में भुवनेश्वर में रिप्लेस कर दिया गया। तो दोस्तों भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम गैंगटॉक की। तो सिक्किम गैंगटॉक एक तिब्बतियन शब्द है जिसका मतलब पहाड़ की चोटी। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई मठ और धार्मिक स्थल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान जयपुर की। जयपुर देश की सबसे पहली बसाया गया शहर है जिसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु चेन्नई की। तो दोस्तों चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। ये करीब 400 साल पुराना शहर है और ये देश के सबसे पुरानी नगर पालिका भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था और इसकी राजधानी हैदराबाद है। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं त्रिपुरा अगरतला की। अगरतला 2 शब्द मिलकर बना है। अगर एक प्रकार का पेड़ है जिससे इत्र बनता है और तला एक स्टोर हाउस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े राज्य की उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसे पूर्वी भारत का सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड देहरादून। तो दोस्तों उत्तराखंड देहरादून देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है और दोस्तों इसका जिक्र महाभारत और रामायण के पौराणिक ग्रंथों में है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो दोस्तों 1911 तक कोलकाता हमारे देश की राजधानी था जिसे बाद में
अंग्रेजों ने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं केरल तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम सात पहाड़ियों पर बसा ये शहर त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है, पर पहले इसका नाम तिरुवनंतपुरम था। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे वर्तमान समय के राजधानी दिल्ली की। तो दोस्तों दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित राज्य भी है। 1991 में संविधान में बदलाव कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदल दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं लद्दाख लेह की। तो दोस्तों लद्दाख लेह जम्मू और कश्मीर अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो दोस्तों हमारे भारत के राज्यों के खासियत और जानकारियाँ